साहब, जिस बरादरी को खाती आपने कहा ना, खाती कौन सी कौम है? आप जिस घर में, जिस छत के नीचे बैठी हैं, उसको बनाने वाला खाती है। जो खाती छत बना सकता है, छत गिरा भी सकता है। मैं बात गिराने की बात, छत की बात नहीं करूँगा। आपका जो ये राजनीतिक करियर है, कहीं ना कहीं वो गिरा सकते हैं। रणधीर गोलन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भले ही विधायक रणधीर गोलन ने माफ़ी एक बंद कमरे में मांग ली हो, लेकिन आज फिर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन SCPC समाज और सर्व समाज द्वारा किया जा रहा है। कैथल के हनुमान वाटिका से सचिवालय पहुंचेंगे और उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। और विभिन्न मांगे उन्होंने रखी हैं कि रणधीर गोलन की सदस्यता रद्द जो है वो की जानी, इस तरह की मांगे मुख्यमंत्री के क्यों दी जाएंगी, जो उपायुक्त के माध्यम से। लेकिन एक बड़ा विरोध देखा जा सकता है, जो कि आने वाले समय में विधायक रणधीर गोलन की समस्या को और बढ़ा सकता है, मुश्किल को और बढ़ा सकता है। क्योंकि जहां 1000 आदमियों के बीच में रणधीर गोलन ने जो धामरा समाज है, खाती समाज है, उसके बारे में जो शब्द कहे थे, उसका बिगुज, उसका बड़ा आंदोलन लगातार लोगों का उग्र रूप देखा जा सकता है, विरोध जो है देखा जा सकता है, जिससे कि जो रणधीर गोलन विधायक जी हैं, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। अकेले जांगड़ा समाज ही नहीं, बल्कि रोड समाज को भी कहीं ना कहीं वो गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब जांगड़ा समाज से माफी मांगी गई, लेकिन कैथल के सचिवालय की तस्वीरें हैं, जहां जांगड़ा समाज, SCPC समाज और सर्व समाज के लोग ज्ञापन देने पहुंचे हैं। चलिए जान लेते क्या कुछ कहना चाहेगा और कौन वो लोग हैं जो रणधीर गोलन को इसके पीछे, रणधीर गोलन के पीछे हैं जो इसको सह दे रहे हैं, या रणधीर गोलन खुद जानबूझकर सभी समाजों को इस तरह की बातें जो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम सिंह जांगड़ा, सर आज दोबारा इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, जबकि रणधीर गोलन द्वारा माफ़ी भी मांग ली गई है? वो माफ़ी इस तरह नहीं मांगी है, उसने अपने ही घर में बैठ के या वैसे ही मतलब एक ढकोसलेबाजी की है। उसने माफ़ी, जैसे उसने बयानबाजी की है, इसी सार्वजनिक तौर पर या मीडिया के सामने आकर मांगता, और मांगी भी ऐसे है जैसे वो आरोप लगा रहा है, जैसे उसने कुछ नहीं कहा हो। वो कभी तो IT का भाई तो जो वीडियो है तोड़ मरोड़ कर बनाई गई है, और कभी कहता है ये जो समाज है ये राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम उसको जो जातिवादी, मतलब उसने अपना एक जो अच्छी हरकत की है जाति सूचक बोलकर हमारे समाज का जो अपमान किया है, और मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि उस गांव में 36 बिरादरी ने जो उसको एक सरपंच चुना है, एक सम्मानित पद पर सरपंच चुनकर, और मुख्य तौर पर रोड बिरादरी ने जो उनका साथ दिया है, हम उसको तय दिल से धन्यवाद करते हैं। तो क्या मानसिक और है उनके ना, उसका शुरू से ही, मतलब पहले भी सुनने में आया है कि ऐसे बयानबाजी वो करते रहते हैं, वो एक अपनी आदत से मजबूर हैं। वो पहले भी बहुजन समाज के प्रति कोई बयानबाजी कर चुके हैं, और पहले पता लगा भाई उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी एक स्वाभिमान मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी एक सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हम उसे ये नहीं चाहते भाई हमारा कोई वो दुश्मन है, लेकिन जो हमारे समाज के प्रति उसने एक अपमान किया है, एक मतलब प्रताड़ित किया है, जाति का जहर घोल कर, उसका हम तय दिल से उसको पुरजोर से निंदा करते हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे उच्च पदों पर बैठे हुए जो नेता हैं, एक मतलब जाति को जहर घोलने वाले हैं, उनको इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है, और सरकार ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ थोड़े शब्दों में ही कहना चाहूँगा कि भी एक तो सरकार 8% आरक्षण देकर उसको समाज को बराबरी का दर्जा देना चाहती है, दूसरी तरफ इसी के सरकार में बैठे हुए उच्च पद पर एक जाति का जहर घोल रहे हैं। तो हम इसको DC को ज्ञापन देंगे, राज्यपाल के नाम और CM के नाम, स्पीकर के नाम भाई, ताकि इसकी ऐसे उच्च पदों पर बैठे हुए जाति का जो जहर घोल रहे हैं भाई, इसकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, ये हम इसके लिए आज ज्ञापन देंगे। मेरा नाम मुकेश जांगड़ा है। आज का विषय क्या है, इकट्ठा हुए? जैसे आप सबको बताया कि पुंडरी की विधायक रणधीर गोलन जी ने एक बयान दिया था, एक विशेष जाति को लेकर, खाती की 11 वोट होने के बावजूद खाती का सरपंच बना दिया गया, तो उसकी घोर निंदा की गई थी, उसका निंदा प्रस्ताव पारित करके वो संज्ञान में आप लोगों की है, वो पास कर दिया गया था। आज अभी 2 दिन पहले एक उनके मीडिया में बाइट आई थी कि मैंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी मांगने का जो उनका जो जरिया था वो आप लोगों को पता है
उन्होंने कहा एक बंद कमरे में, क्योंकि मैं तो एक बात मानता हूँ कि जब जनसभा में पूरी भरी जनसभा जहाँ हजारों की तादाद थी वहाँ पे उसने एक बयान दिया, वो जो हमारी जो मान सम्मान की लड़ाई थी, जो मान सम्मान हमारा खोया है वो भरी सभा में खोया है। हम ही चाहते हैं, पूरा समाज चाहता है कि सर्व समाज के सामने वो अपना बयान कबूल करे, अपना बयान वापस ले और अपनी जो गलती है उसको माने और भविष्य में ऐसी गलती ना करे, उसके लिए वो अपना काम करे। रणधीर गोलन कह रहे हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग इस तरह के जो प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं तो उसके खिलाफ करें, तो आप भी राजनीतिक रूप से किसी ना किसी रूप किसने कहा यह राजनीति लोग हैं? उनसे अगर कोई पूछा जाए, आपने जांगड़ा समाज को अपमानित किया है, आप उन्हीं के लोगों को बोल रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। अगर वो कहते हाँ मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन राजनीति कैसी कर रहा हूँ? आप जात पात की राजनीति कर रहे हैं और हम सर्व समाज को एक जोड़ने में उसकी राजनीति कर रहे हैं। वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग सच की राजनीति कर रहे हैं, कोई दोहराई इसमें नहीं है अगर वो राजनीति की बात कर रही हैं। तो मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है, सर्व समाज की मांग है कि उनकी विधानसभा में जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाए, उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से उसको भंग कर दिया जाए। तो क्या इसका कोई बीच का कोई कड़ी भी है जो जोड़ पाए, समाज को इकट्ठा कर पाए? क्या रणधीर गोलन जैसे कमरे में माफ़ी मांग रहे हैं, क्या खुलेआम माफ़ी मांगे? देखिए, जैसे सुनने में आया कल शायद गीता जयंती पे वो यहाँ पे वो आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ जनसभा उनकी वहाँ भी होगी, सबके सामने पूरी मीडिया की। देखिए, पहला काम तो उनका ये था कि पूरी मीडिया को बुलाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सबके सामने पूरी मीडिया के आगे ये अपनी बात कबूल करें कि मेरे से गलती हुई है, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। देखो, उनके अपने उस बाइट में उन्होंने ये कहा, एक तो पत्रकारों पर उंगली उठाई है, उन्होंने कहा हमारे जो रोड बिरादरी की उन्होंने हमारी जो ना खाट खड़ी कर दी है, ऐसा कुछ बोला है, अपने रोड अपने बिरादरी के ऊपर वो बोल रहा है। तीसरा, उसने कहा कि राजनीति लोग कर रहे हैं। तो कल जैसे वो यहाँ पे पहुँचेंगे, गीता जयंती पहुँचेंगे, तो विरोध किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। पूरा समाज यहाँ, सिर्फ जांगड़ा समाज नहीं है, सर्व समाज के लोग यहाँ हैं, सबकी सहमति हुई है। अगर वो यहाँ आता है उसका विरोध किया जाएगा, अपनी जो है वो अपनी पकड़ अपने हिसाब से वो यहाँ आई। कल को कोई अगर कोई जिम्मेवारी कोई ऐसी बात होती है तो वो अपनी जिम्मेवारी खुद तय करें। आपके समाज से कई राजनेता तमाम राजनीतिक दलों में काम करते हैं, रामचंद्र जांगड़ा के अलावा किसी का कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया? देखिए, अभी सबसे बड़ा हमारा जो नेता है राज्यसभा सांसद, उन्होंने बयान दिया है, सारे चैनलों पे न्यूज आई है कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए और उनके सभी जो सरकारी लाभ उसको बंद कर दिया जाए। तो हम उनके समर्थन में हैं, जब तक रामचंद्र जांगड़ा जी का दोबारा बयान नहीं आता कि उन्होंने सर्व समाज से माफ़ी मांग ली है, आप लोग शांत रहे, तब तक ये आंदोलन चलने वाला है। तो क्या लीगल नोटिस भी कोई भेजा जा रहा है उनको? देखिए, अभी लीगल नोटिस नहीं है, आज जो है सब लोग यहाँ से ज्ञापन देंगे डीसी साहब को और उसके ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को। चंद्रप्रकाश जांगड़ा जी ने जो आईएएस, उन्होंने बयान दिया, एक आईएएस हमारे हैं चंद्रप्रकाश जांगड़ा जी, दिल्ली से है, उन्होंने बयान भी दिया है। तो जब हमारे तमाम लोग इसमें कह रहे हैं, हमारी जो महासभा है उनके लोगों ने फोन करके बोला है, उसने माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी मांगने का जो तरीका है वो हमारे लोगों को अभी रास नहीं है। ठीक है, तो रणधीर गोलन को आज क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ गोलन साहब, जिस बिरादरी को खाती, आपने कहा ना खाती, कौन सी कौम है? आप जिस घर में जिस छत के नीचे बैठे हैं उसको बनाने वाला खाती है, जो खाती छत बना सकता है, छत गिरा भी सकता है। मैं बात गिराने की बात, छत की बात नहीं करूँगा, आपका जो यह राजनीतिक करियर है कहीं ना कहीं वो गिरा सकते हैं।